हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अमन के व्लॉग्स। तो कैसे आप सब, होप करता हूँ आप सब मेरी तरह अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइस, बहुत टाइम बाद हम लोग दोबारा से व्लॉग करें, मतलब हर वीक करते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहे हैं आपके लिए। तो भाई, बाय द वे, आपके लिए गुड न्यूज़ है, हम हर वीक व्लॉग अपलोड कर रहे हैं फ्राइडे को 11 बजे। तो भाई, चैनल पे आओ, फ्राइडे को 11 बजे आपको एक फ्रेश व्लॉग ज़रूर मिलेगा। तो भाई, अब करते हैं आज के टॉपिक की बात। तो भाई, आज हम कंपेयर कर रहे हैं दो बैग्स को। तो वैसे तो ये बैग्स ऑल टाइम है, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसे मेनली लैपटॉप बैग्स भी कह सकते हैं, बट ये थोड़े से लैपटॉप बैग जैसे नॉर्मली होते हैं ना, वो बहुत ही अजीब से लगते हैं, बट ये वाले जो बैग्स हैं ना, ये बहुत ही कूल लगते हैं और मेनली ये यूज़ होते हैं राइडिंग के लिए। जैसे हम लोग राइड करते हैं तो हमें लैपटॉप अपना सब कैरी करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे। आज मेरे पास है रोड गॉड्स का एक्सटार का मार्वल एडिशन बैग, और इधर है मेरे पे कार्बनाडो GT2 जो लेटेस्ट आया है अभी बिल्कुल। तो भाई, पहले हम बात करते हैं रोड गॉड्स की और कार्बनाडो को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो भाई, तो ये है रोड गॉड्स का बैग। तो भाई, पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो आती है भाई पैसा। तो ये है भाई, अभी जो मार्केट में इसको मिल रहा है, ये मिल रहा है 2650 का। तो ये 2650 के आसपास ये बैग आपको मिल जाएगा। लुकिंग आप देख लो, मेरे पास जो है कैप्टन अमेरिका वाला एडिशन है, और इसमें 3-4 वेरिएंट और भी आते हैं, स्पाइडरमैन आई थिंक सो आता है, और ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल, मतलब काफ़ी सारे आते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लो। तो अब बताते हैं इस बैग के बारे में थोड़ी सी, इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो भाई, पहली बात तो ये बैग है वाटर रिपेलेंट, पर आप इसे हैवी रेन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी चेंज के अंदर से पानी अंदर जा सकता है। बाकी भाई, ये अगर छोटी मोटी हल्की बारिश है तो भाई ये काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने खुद यूज़ करा है। और बाकी भाई, अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। तो इसकी जो ओपनिंग है, ये 180 डिग्री ओपनिंग है, पूरा खुल जाता है। इधर आपके जो कंपार्टमेंट्स है, इधर आप लैपटॉप रख सकते हो, अपने कुछ कागज़ वागज रख सकते हो, और बाकी इधर आपके कपड़े आ जाएंगे, अराउंड आराम से 2 दिन के कपड़े आ जाते हैं। और बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे से इसमें कंपार्टमेंट्स बन रखे हैं, जिसमें आप बाकी सारी चीज़ें रख सकते हो। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 25 लीटर्स। तो भाई, उस हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। और इसका शेल है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट स्टिल मच बेटर है प्राइसिंग अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और बाकी लुक वाइज तो आप बताओ कैसा है। तो अब इसके कंपटीटर पे आ जाते हैं। हाँ जी, इसे टिका दो, और इसके कंपटीटर पे आ जाते हैं। कंपटीटर तो नहीं कहेंगे, बट कहेंगे ना सेम फील्ड में है, तो थोड़ा सा हो सकता है इसे कम्पीट करे। तो ये हमारे पास है कार्बनाडो का GT2। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। जो इसकी प्राइसिंग आती है, वो आती है अराउंड 5500 की। हाँ जी, इससे जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया अराउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसकी हाईलाइट देखोगे तो ये पार्ट है, ये बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट का ये हार्ड शेल है प्रॉपर, जो इसका सबसे बढ़िया USB है, कि भाई इससे तो बाइक का लुक अलग ही आ जाता है। और बाकी अगर इसके बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 लीटर्स की है, तो इसमें भी अराउंड इतना सामान आ जाएगा। बट जो इसका रीअरेंजमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखा है, तो दिखाता हूँ आपको ये भी। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर देखेंगे तो ये जो इसका पॉकेट दे रखी है, ये आपके सनग्लासेस के लिए अलग से पॉकेट है, तो पूरा बन रखा है जैसे आपने अपना बैग रखना है। और दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला पार्ट है, इसमें आप अपनी बॉटल रखोगे तो भाई ये बिल्कुल ही बढ़िया करके उसको रखता है। और इसे क्या कहते हैं, इसमें अगर आप कोई गर्म चीज़ रखोगे तो वो मतलब इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, इसलिए इसके अंदर ये वाला फीचर लग रखा है। मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बट बेस्ट फीचर है, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। हम लोग अभी एक छोटी सी राइड पे गए थे, मैं इसमें से पानी रख के लेके गया था हल्का सा गर्म, और जब तक मैं वापस आया तो पानी गर्म ही रहा, सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेके गया था। बाकी दिखाते हैं अब इसके अंदर वाला सेक्शन। तो ऐसा कुछ है ये बैग, तो इसमें काफ़ी सारा कंपार्टमेंट्स है। अगर हम कंपेयर करें गॉड से, तो इसके जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही अच्छे से अरेंज किए हुए हैं, और जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो बहुत ही बेटर है। मतलब अलग अलग आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी अलग अलग चीज़ें आराम से रख सकते हो। और ऑल दो इसका लुक कहेंगे, लुक बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो आएगी, मैंने अभी रिसेंटली
इसके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवाई है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रोड गॉड के साथ भी एक मिल जाएगी, दोनों साथ साथ डाल दूंगा ताकि आपको देख के पता चले कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है। और अगर आप बात करेंगे कार्बनाडो में, जैसे ये मेरे पास रेड कलर है, ये थोड़ा सा कस्टमाइज हो रखा है, ये ऐसा नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा इजी रहता है। अब इसे कस्टमाइज़ भी अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इसमें कोई कस्टमाइज़ नहीं हो सकता। और जो इसके कलर वेरिएंट्स है, काफ़ी सारे कलर आते हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, आई थिंक सो, और भी बहुत सारे ग्रीन, तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको कौन सा बैग ज़्यादा बेटर लगा है, कार्बनाडो का GT2 या रोड गॉड्स का मार्वल एडिशन वाला बैग। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई दोनों अपने प्राइसिंग अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया है, बाकी आपके ऊपर है आपको कौन सा बैग ज़्यादा बेटर लगता है। तो एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे अभी आपको नाम डिस्प्ले हो रहा होगा, तो जल्दी जाके फॉलो करो। इसके कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पे आपको अपडेट्स भी है, बिल्कुल ऐसे रहते हैं टॉप नॉच, एकदम अप टू डेट रहते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। तो बस इसी नोट पे करते हैं हम वीडियो को एंड, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दो, अच्छा सा ही लाइक करना, बुरा सा लाइक मत करना, एक अच्छा सा लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन आ रहा है ना घंटा, इसको बजा डालो, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, आगे भाई राइड के व्लॉग्स आएंगे तो वो आगे पता चलेगा, तब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बाय।